बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 इन्वेस्टिगेटिंग साउंड साउंड आवाज़ पर तहकीक। आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 4 करना है जो कि है एक्सटेंड योर थिंकिंग। ये 6 क्वेश्चन इस पेज पे हैं और एक क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज 120 पेज पे। इन टोटल 7 हैं क्वेश्चन जो कि हमने करने हैं। इनको 1 बाय 1 हम देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला है जी, व्हाट हैपन इफ यू स्प्रिंकल पेपर पीसेस ऑन अ ड्रम हेड एंड देन हिट द ड्रम स्टिक। यानी आप, उसने कहा है कि क्या होगा अगर आप ड्रम का, जिसको आप हिट करते हैं, जिससे आवाज पैदा होती है, उस पर कुछ कागज के टुकड़े रख दें और फिर उसको स्टिक से हिट करें, मारे उसे, यानी बजाएं। Then paper pieces will also vibrate. तो पेपर जो कागज के टुकड़े हैं वो भी हरकत करेंगे विद द वाइब्रेटिंग ड्रम हेड। जैसे जैसे आप डोल को हिट करेंगे, ड्रम को बजाएंगे स्टिक से, वैसे वैसे वो पीसेस भी हिट करेंगे। बिकॉज वाइब्रेटिंग बॉडीज हैव एनर्जी, क्योंकि जो हरकत करते हुए जिसम होते हैं उनके पास एनर्जी होती है जो वाइब्रेट करते हैं, विच कम्स फ्रॉम हिटिंग, जो कि उसके पास कहाँ से आ रही है, हिट से। एंड दिस एनर्जी विल मूव द पेपर पीसेस, यानी कि जब ड्रम स्टिक से आपने हिट किया, ड्रम स्टिक की एनर्जी आई ड्रम हेड पे जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो जो पीसेस हैं वो उस एनर्जी से वो भी वाइब्रेट करेंगे। सेकेंड है जी क्वेश्चन इसका, जो एक्सटेंड योर थिंकिंग का अगर आप देखें वो ये है कि कुड साउंड फ्रॉम अ रेडियो ट्रेवल थ्रू अ रूम विद नो एयर एक्सपेन। यानी उसने कहा है कि आपने रेडियो लगाया हुआ है और एक कमरा है जहाँ पे हवा नहीं है, तो आया उस कमरे में आपको आवाज़ आएगी, साउंड ट्रेवल कर सकेगी? नो, साउंड फ्रॉम अ रेडियो कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ रूम विद नो एयर। रेडियो में से आवाज़ जो है उस कमरे में से नहीं गुजर सकती जहाँ पे हवा नहीं है। बिकॉज साउंड ट्रेवल्स ओनली इफ देयर इज एयर, क्योंकि आवाज़ तभी सफ़र करती है जब वहाँ पे हवा हो। बिकॉज एयर सर्व्स एज मीडियम इन पासिंग साउंड, क्योंकि आवाज़ गुजरने के लिए जो मीडियम होता है वो हवा देती है। एंड विदाउट मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल, और किसी भी मीडियम, चूँकि हम हवा की बात करते हैं तो हवा के बगैर जो है आवाज़ सफ़र नहीं कर सकती। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो है जी इसका एक्सटेंड योर थिंकिंग का, द साउंड मूव फास्टर थ्रू द ईयर कनाल और थ्रू द टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर। उसने कहा कि आवाज़ जो है वो ईयर कनाल में से तेजी से जाती है या मिडल ईयर में से। साउंड मूव फास्टर थ्रू द टाइनी बोन्स इन द मिडल ईयर एज कम्पेयर टू ईयर कनाल। आवाज़ जो है वो मिडल ईयर की जो छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनमें ईयर कनाल की निस्बत तेजी से जाती है। बस इन्होंने सिंपल यही पूछा था, क्या करके रीज़न नहीं पूछी हुई तो हमें भी बताने की, सब इतना वो डिटेल से नहीं है। नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन हाउ कवरिंग द ईयर कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम हियरिंग अ साउंड। अगर आप अपने कानों को कवर कर लें, ढांप लें, तो क्या आप किसी दूसरे शख्स की आवाज़ सुन सकते हैं? आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, द आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर पिन्ना डायरेक्ट साउंड इन टू ईयर कनाल। जो पिन्ना है हमारे कान का, जिसपे हम, आप समझ लें, जिसपे ईयरिंग्स पहनते हैं, वो क्या करता है, उसके साथ वाला, यानी पिन्ना उसे कहते हैं, और उसके साथ जो है वो अंदर आवाज़ को लेके जाता है ईयर कैनाल में। इन साइड इट साउंड वेव्स हिट द ईयर ड्रम, फिर आवाज़ जो है वो ईयर ड्रम को टकराती है पर्दे से। द साउंड वेव्स मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, जब आवाज़ पर्दे से ईयर ड्रम से टकराती है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। दैट्स वाई वी कैन हियर साउंड, इस वजह से हम आवाज़ सुन सकते हैं। और फिर आगे ऐसे ईयर कैनाल से वो, सॉरी, ईयर ड्रम से वो आगे उन टाइनी बोन्स के पास जाएगी, फिर दिमाग तक मैसेज आता है और इस तरह हमें आवाज़ का एहसास होता है। दैट्स व्हाई वी कैन हियर साउंड, इफ वी कवर द एयर, अगर हम कानों को ढांप लें, साउंड वेव्स कांट रीच द ईयर कैनाल, तो आवाज़ की जो लहरें हैं वो ईयर कैनाल तक नहीं पहुंचती। एंड ईयर ड्रम कांट वाइब्रेट, जब ईयर कैनाल तक ही आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो ड्रम जो है वो वाइब्रेट नहीं करेगा। सो एज अ रिजल्ट वी आर नॉट एबल टू हियर साउंड, इस वजह से हम जो है आवाज़ को सुन नहीं सकते। मीन्स आवाज़ जो है वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा तो आवाज़ आगे जाती है, जब आवाज़ ईयर ड्रम नहीं वाइब्रेट करेगी तो आवाज़ आगे नहीं जा सकती। तो ईयर ड्रम का वाइब्रेट करना ज़रूरी है। देन है जी, ये फोर्थ क्वेश्चन था हमारा। अब है जी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है,
हाउ कैन साउंड बी हार्मफुल एंड हेल्पफुल. आवाज जो है वो नुकसानदेह भी है और अच्छी भी है, किस तरह. वेरी लाउड साउंड डैमेज द ईयर ड्रम. बहुत ही तेज आवाज जो है वो हमारे कान के पर्दे को तबाह कर देती है. एंड दस वी हैव डिफिकल्टी इन हियरिंग. और इस तरह हम पे सुनने में मुश्किल का सामना होता है. सेकेंड इसका एडवांटेज है जी, वाइल विद द हेल्प ऑफ साउंड, हम आवाज की वजह से वी कैन रिकॉग्नाइज पर्संस विदाउट सीइंग देम. हम उस अशख़ास को देखे बगैर उन्हें पहचान सकते हैं. ये आवाज का एक फायदा है. नेक्स्ट है जी, व्हाई इज देयर नो साउंड इन वैक्यूम. वैक्यूम में उसने कहा क्यों आवाज नहीं होती. साउंड एनर्जी नीड्स मीडियम फॉर ट्रेवल टू वन प्लेस टू अनदर. आवाज की जो एनर्जी होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा की जरूरत होती है. इन वैक्यूम देयर इज नो एयर. वैक्यूम में हवा नहीं होती. द साउंड इज नॉट हर्ड इन वैक्यूम. इसी वजह से वैक्यूम में हवा को हम नहीं सुन सकते. Because it can't travel through vacuum, क्योंकि आवाज सफर ही नहीं करेगी तो फिर हम किस तरह उसको सुनेंगे. अच्छा, ये सिक्स क्वेश्चन था. अब सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ आए. सेवन्थ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दिया हुआ है लेकिन आंसर इसका सिंपल है. अ बर्ड सिटिंग इन अ ट्री हियर्स द चिरपिंग ऑफ अनदर बर्ड. एक उसने कहा परिंदा जो है वो दरख्त पर बैठा है, दूसरे परिंदे की जो चहचहाट है उसको सुन सकता है या सुनता है. A whale hears the song like sound made by another whale swimming near it. अब एक व्हेल जो है वो दूसरी व्हेल की जो आवाज है जो कि गाने की तरह जाती है वो सुन सकती है. Which sound travel faster? कौन सी आवाज जो है उसने कहा तेजी से सफर करती है. The bird chirping, परिंदों की चहचहाट, और व्हेल सिंगिंग या व्हेल का गाना. इसको हमने एक्सप्लेन करना है. अच्छा जी, एयर एंड वाटर आर मीडियम ऑफ साउंड. हवा भी है मीडियम और पानी भी मीडियम है जिसमें से आवाज सब गुजरती है. बट साउंड ट्रेवल्स मोर इन वाटर देन एयर. लेकिन आवाज जो है वो हवा के निस्बत पानी में तेजी से गुजरती है. तो दैट्स व्हाई व्हेल सिंगिंग ट्रेवल फास्टर एज कम्पेयर टू बर्ड चिरपिंग. जो व्हेल का जो सॉन्ग है, व्हेल जो बोल रही है, जो गा रही है, वो परिंदों की चहचहाट की निस्बत तेजी से सफर करेगा और दूसरी व्हेल को जल्दी ही सुनाई देगा. हमारी एक्सटेंड योर थिंकिंग जो है उसके साथ के साथ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने कवर कर दिए हैं.